बोलता हूँ भगवान तो भाई एक है, भगवान तो भाई एक है, एक बोलने वाला कौन है, बेवकूफ तुम जीव बन के बैठा। फिर दो दो हो गया, द्वैत में आ गया, मैं अलग भगवान अलग। लेकिन इस श्लोक में भगवान असल प्रत्यक्ष तुमको अनुभव कराता है कि एक ही ब्रह्म है, जो सूत है वो ही मणि है, जो मैं हूँ सो तू है, सब चीज मैं ही मैं हूँ, मेरे में और तेरे में कोई फर्क नहीं है। हे अर्जुन, कोई भी चीज मुझसे अलग नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिए मैं इच्छा करूं, ऐसा भी बोला है। कोई चीज मेरे से अलग नहीं है, एवरी थिंग इज गॉड, तुमने तो सुना है एवरी वेयर इज गॉड, लेकिन हम तुमको बोलते हैं ये दादा का ज्ञान असल अनुभवी ज्ञान, भाई एवरी थिंग इज गॉड, हर चीज भगवान है। कौन सी चीज तुम्हारे से जुदा है, कौन सी चीज भगवान से जुदा है, भगवान से कोई चीज बनी है जुदा, पहले भगवान और चीज देखने वाला जो तुम अज्ञानी है वो भ्रम में बोलता है ये चीज है, ये बोलता है भाई विंजना है पंखा, अच्छा इसमें भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, नाम और रूप ये तो पीछे बना और फिर जो है वो इसको गला के और बसम कर देना, बसम हो सकता है, खलास हो सकता है, चेंज हो सकता है, पर इसमें जो हस्ती भांति प्रिय रूप में ब्रह्म स्वरूप है, हस्ती बना है, बोलता है ये भाई विंजना है तो बोलता है, पर भासता है हस्ती भांति और प्रिय लगता है, हर चीज प्रिय लगती है ना, तो ये सत्य चित्त आनंद हस्ती भांति प्रिय, हस्ती माना सत्य, भांति माना चित्त, हस्ती भांति प्रिय सत्य चित्त आनंद, ये जो तीन चीज है वो ब्रह्म स्वरूप है इसमें, और बाकी नाम रूप ये गोल है और इसका नाम है विंजनी, इसका नाम है फैन, तो ये नाम भी तुमने रखा और रूप भी तुमने दिया इधर, फिर कल तुम दूसरा नाम रखो, कोई अंग्रेजी में बोलता है फैन, कोई सिंधी में बोलता है विंजनी, कोई हिंदी में बोलता है पंखा, ये तो तुमने बेवकूफ ने इसमें नाम रखा खाली, और तुम्हारे ऊपर बेवकूफी ने नाम रखा, फलाना मल है, ये महेश है, ये राजेंद्र है, ये फलाना है, ये रुक्मणी है, ये रानी है, किसने नाम रखा इधर दुनिया में आके, तुम्हारे माँ बाप ने, इसने झूठे सरदार ने नाम रखा, असल नाम कोई नहीं था, असल तुम सत्य चित आनंद है, मुर्दा भी सत्य चित आनंद है, मुर्दा इधर पड़ा है, बोलता है ना मुर्दा है, बासने में आता है प्रिय है, तुम्हारे बाप का मुर्दा है, कोई थूक लगाएगा तो तुम उसको मारेगा, बाप का मुर्दा प्रिय नहीं है तुमको, सांप का मुर्दा सांपनी के लिए प्रिय है, मगरमच्छ का मुर्दा उसकी औरत के लिए प्रिय है, कुत्ते का मुर्दा कुत्ती के लिए प्रिय है, तुम्हारा कुत्ता मर जाएगा ना तो भी तुमको प्रिय लगेगा, रोएगा उसके लिए, मेरा कुत्ता, सब सब चीज प्रिय है, विष्ठा भी प्रिय है सुअर के लिए, खाद के लिए विष्ठा भी प्रिय है, कौन सी चीज है जिसमें सत्य चित आनंद हस्ती भांति प्रिय नहीं है, वो है आत्मा का लक्षण, बाकी नाम रूप सब नाशवान चेंजेबल, अभी है अभी नहीं है, चेंज हो गया, इसको इसका नाम है नाम और रूप जगत माना माया, ये नाम रूप भ्रम मात्र है, तुमने इसको नाम रूप दिया, हस्ती नहीं है, उसका नाम है मिथ्या, ये देखने में आता है पर आज है अभी नहीं है, अभी जल जाएगा मिथ्या हो गया, इसको तुम बोलते हैं हम बोलते हैं मिथ्या, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, पीछे वो जगत देखेगा ही क्यों, पहले तुम जगत में फंसे पड़े, बोलता है बेटा सच है, स्त्री सच है, पैसे के सिवाय कैसे चलेगा, ये सब ठीक है, ये माया में मजा है, कौन बोलता है माया में मजा नहीं, तुम ऐसा बोलता है क्योंकि मोटे मन वाला इधर आता है, स्थूल मन स्थूल बुद्धि ऐसा आदमी इधर आएगा तो उसको हम सुख्यम करने के लिए, उसके व्यवहार के लिए बोलेगा जगत में क्या है अभी नहीं है, चेंजेबल है, ऐसे कुछ भी तुमको लाभ हासिल नहीं होगा, तुम तो सच्चित आनंद स्वरूप है, तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास है, तुम्हारा आनंद जगत में नहीं है, जब उसका जगत से वृत्ति उपराम हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, तभी बोलेगा मैं आत्मा सर्वत्र आत्मा ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जैसे बिना कुछ नजर ना आया, तो जैसे जैसे आदमी आता है, किस किस कोटि वाला आता है, ऐसे ही उसको ज्ञान देना पड़ता है, नाता ही नहीं रहता है, प्रकृति से अलग उठ जाता है और प्रकृति को वो देखता भी नहीं है, तो ये मेरे से जुदा है, सब अपना आप करके देखता है, प्रकृति से पहले तो भाई भाड़ी कट करो, तुम प्रकृति का अधीन है दास है, पहले प्रकृति से ऊपर उठो,
प्रकृति से भाईवाड़ी कट करो, तो मेरा नाता ही नहीं है प्रकृति से। स्थूल नाता, स्थूल सूक्ष्म कारण में भी प्रकृति जो पड़ी है, शरीर, शरीर का देह अध्यास, तो स्थूलता का नाता, सूक्ष्म का नाता, ये सब छूट जाता है आत्म ज्ञान से। पहले तुम स्थूल बुद्धि में, स्थूल नाते में पड़े हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, स्थूल नाता। फिर मन में समझो तुम बाहर से छोड़ के जंगल में गया, फिर मन में मेरा बेटा बेटी पड़ा है, ये सूक्ष्म नाता। जब स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से, तीनों शरीरों से तुम ऊपर उठता है आत्मा में और सर्वत्र आत्मा देखेगा, तभी तुमको ज्ञान पक्का होगा और आनंद पक्का होगा। भाई तुम अपने को जीव, दूसरे को जगत, इसको मेरा और तेरा मानेगा तो हमेशा प्रकृति के अधीन होगा। सत असत को जानने वाला वो मैं हूँ, परमात्मा भगवान। सत असत को जानने वाला कि मैं ही तो हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है, जैसे तभी तुम वो ब्रह्म, ब्रह्म पदार्थ, वो जो ब्रह्म है, जो सच में जो उत्पत्ति प्रलय करने वाला, महाकर्ण प्रलय करने वाला भी तुम ही है, वो भगवान कृष्ण दूसरा नहीं है तुम्हारे से। यही तो बात है, अर्जुन को बताने आया कि मैं और तुम एक है। तो महाप्रलय हो गई तुम्हारे लिए भाई, महाप्रलय का है कि तुम होएगा क्या उसी टाइम, तुमने देखी है महाप्रलय जो तुम सुनता है, किसने देखी है? शास्त्र क्या वर्णन करता है? जब तुम्हारा शरीर छूट गया तो कुछ बना ही नहीं, रहा ही नहीं, यही महाप्रलय। भाई किसने देखी है महाप्रलय? रोज तुम्हारी प्रलय रात को होती है, सुबह को उठता है और शरीर छूटता है, महाप्रलय हो गई। फिर वार 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 तुम रचता है अपने को, भगवान बोलता है मैं बार बार रचता हूँ, फिर ब्रह्मांड महाप्रलय करके फिर रचता हूँ। ऐसी तरह से तुम्हारा मौत हुआ तो महाप्रलय, फिर तुम्हारे संस्कार अनुसार फिर प्रकृति को रचता हूँ, सृष्टि को रचता हूँ, फिर रच जाता है, फिर भी तुम आता है महाप्रलय करके भी, तो महाप्रलय तुम्हारा मौत है और प्रलय तुम्हारी रात है रोज की। इसी से ही तुमको ज्ञान हो जाता है। बाकी वो भगवान अलग, ईश्वर अलग, मैं अलग, ये जो भेद है तुम्हारा, जो भेद मिट जाना चाहिए। कोई भी भगवान तुम्हारे सिवाय जुदा आसमान में नहीं बैठा है। कृष्ण तुम्हारे से जुदा नहीं है। कृष्ण आया था, नानक आया था, भगवान आया था, कई रूप में आता है, सुजाग हो के आता है। तुम नींद में है वो सुजाग है, तुम शरीर में है वो आत्मा में है। तो जो आत्मा में है वो ऐसा फील करेगा कि सारा जगत मेरे एक संकल्प में है, मैंने ही सारी सृष्टि रची है, मेरे संकल्प से ये सारी सृष्टि रची गई है। सृष्टि है कहाँ? अरे रात को तुमने सपने की सृष्टि रची, तुम ही तो भगवान है। सपने में ये सब पदार्थ कहाँ से रचा बताओ? तुमको भी इतनी ताकत है जो रात को तुम अकेला सोया पड़ा, सारी दुनिया उसमें देखी अंदर तुमने, संकल्प में सारी सृष्टि सपने की तुमने रचाई, तो तुम भगवान नहीं है तो कौन है? जैसी सपने की सृष्टि तैसे ये भी सपने की सृष्टि है जो देखने में आती, जैसा तुम्हारा संकल्प तैसी तुम्हारी सृष्टि। तुम ही एक निराकार था। दादा के पास एक आदमी आया, दादा पहला पहला जो भगवान है ना वो कौन सा था? बोला पहला ही भगवान तुम है, वही तो तुमको एतबार नहीं आता है। भाई पहला भगवान जो निराकार था ना, जिसने ये सृष्टि धारण किया, सूर्य चंद्र ये फलाना टीरा, मैं थोड़ी वो हूँ। बोला वही तुम है, तुम आत्मा है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति सबको मिली है, सूर्य चंद्र तारा इसको शक्ति देने वाला तुम ही है, माने तुम्हारी आत्मा, आत्मा की शक्ति है ना सूर्य चंद्र देवता में, किसकी शक्ति है? वो तुम्हारी आत्मा, उसकी आत्मा एक ही है, तुम ही सबको शक्ति प्रदान करने वाला है, देने वाला है, तुम ही है। तुम माना आत्मा, तुम माना शरीर नहीं, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो ब्रह्म, एक ही निराकार शक्ति है, बाकी सब सबको गुम करो, एक निराकार शक्ति को देखो तो उसकी शक्ति सब में है कि नहीं है? सूरज चंद्र तारा में किसकी शक्ति है? उसी निराकार की, वो निराकार आत्मा तू है। हाँ, तो सारी सृष्टि प्रलय हो गई, तुम्हारे अंदर ही सृष्टि है, बाहर कहाँ से है? नहीं, क्या होता है जब तक बूंद होती है ना, बोलती है मेरे में थोड़ी ना जहाज चल सकता है, बूंद कभी नहीं बोलेगी, हिम्मत नहीं कर सकती है कि मेरे में जहाज चल सकता है। बूंद जब समा गई तो जहाज क्या, सब कुछ उसमें चलता है। तो समाया है पहले अपने को, खुद गुम किया है, हम अपने ईगो को गुम करके बैठे हैं, आत्मा में, गुरु में गुम करें, फिर निराकार में गुम करें, फिर तो सर्वत्र ही सब कुछ है,
पहले गुम करने की हिम्मत किसको है? शक्ति काम जहाँ खड़े हैं वहीं तक खड़े ही हैं, वही प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपेशन जो हमारे हैं अभी तक हैं, पहले वाली बातें अभी भी हैं, लगे हुए हैं, वो भी जिद हमारा है कि पहले वाले हम रहें और हम भगवान भी रहें, कैसे होगा? हो सकता है मेरे पास में गीता है, उसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन कालों का काल भी मैं हूं, सब कुछ तुम मेरे को जान। फिर पर अपने को शरीर छोटा जीव बूंद गड़बड़ा अंश ऐसा करके देखता है, क्योंकि जब तक देह अध्यासी है वो तो ऐसा ही समझेगा ना अपने को। जब देह से ऊपर चलेगा तभी बोल गया महाकाल भी मैं हूँ, क्योंकि सारी सृष्टि की पढ़ लेकर के बैठाऊंगे, सृष्टि है ही नहीं, एक ही भगवान है, जगत नहीं है, एक ही भगवान है, जगदीश है। जिसने जगदीश देखा उसने जगत की पढ़ लेकर दिया, जगत भ्रम मात्र है, भ्रम गया तो भ्रम हो गया, पीछे जगत है कहाँ? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, तुम्हारा भ्रम गया तो भ्रम हो गया, और जो ब्रह्म है उसके लिए जगत नहीं है, उसके जैसे जगत की पढ़ लिया करते। आपके वचन अनुसार भी श्रद्धा और विश्वास से लेते हैं। क्रिएटर और क्रिएशन जुदा नहीं है मेरे से, मैं ही तो हूँ, विचार उसके अंदर नहीं आएगा मैंने ये क्रिएट किया, क्रिएट क्या हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है, उसके लिए जगत ही नहीं है तो क्रिएशन कहाँ से आई? पीछे क्रिएटर और क्रिएशन दो नहीं रहेगा। जल का तत्व जो रस है वो मैं हूँ, सब में रस जो है वो परमात्मा का है। तुम जब भी रस लेता है वो समझता है बाहर से रस आया, फलानी चीज से रस आया, लेकिन रसों का रस मैं हूँ, माना आत्मा का रस है सब चीज में। तुम बोलते हैं नींबू बहुत अच्छा है, आम बहुत अच्छा है, फलानी चीज बहुत अच्छी है, मेरे को पसंद है, तो आम अच्छा है या उसमें परमात्मा का रस है? सब चीज में रस कौन सा है? तुम्हारे जीभ में रस किसने डाला? तुमको जो रस आता है वो जड़ है, ये जीभ तो जड़ है, रस कैसे आता है उसमें? ये मेरे को चीज पसंद आती है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, किसने समझा, किसने बोला, रस कहाँ से आया उसमें? सो जो भी रस है वो मैं हूँ, जल में रस, जल का तत्व है रस, वो जो तत्व है वो मैं हूँ, पहले मैं हूँ पीछे जल है, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, प्रकाश अभी प्रकाश किसका है? चंद्रमा या सूर्य तो पीछे हुआ, पहले कौन है? सब में प्रकाश किसका है? तुम्हारे में, उसमें, उसमें प्रकाश तो एक ही है ना, आत्मा का, परमात्मा का। तो बोलता मेरा ही प्रकाश है ना सब में, मैं ही तो हूँ, दूसरा कोई है क्या? मैंने ही प्रकाश दिया है तभी ये सारी सृष्टि बनी है मेरे प्रकाश से, और तुम उसका प्रकाश न देख के बोलता है सूरज बड़ा अच्छा है, सूरज की मैं पूजा करता हूँ, चंद्रमा की पूजा करता हूँ, फलाने की पूजा करता हूँ, और ये सूरज में जो प्रकाश है वो किसका है? उसकी पूजा करो ना, वो तो तुम है, हाँ तुम भगवान हो के और सूरज की पूजा करता है, सूरज तो एक गोला है, उसमें चमत्कार जो है वो तो परमात्मा का है। बोला सब में शक्ति मेरी है, अग्नि में भी मेरी, मेरा तेज है, पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, तुम बोलता मैं पुरुष हूँ, तुम्हारे में बल किसका है? कैसे बोलता मैं पुरुष हूँ? बल किसका है तुम्हारे में? तेज किसका है? अग्नि में शक्ति किसकी है? प्रकाश किसका है? सब एक ही परमात्मा है। तुम भगवान को भुला के बाकी बोलता है ये बड़ा अच्छा पुरुष है, बहुत बलवान है, भाई ये क्या नहीं है, लेकिन उसमें बल किसका है? ये तुम अपमान करता है, मैं पुरुष हूँ, मेरे में देखो कितना बल है। तुम भगवान को भुला के अपना बल दिखाता है, अहंकार का बल, अहंकारी बल नहीं, निर्दोष जो बल है, जो पहला पहला निराकार का बल है, शक्ति है, वो आत्मा की है, परमात्मा की है, वो पुरुष की शक्ति नहीं है। जिसने ओम को जाना मैं क्या हूँ, ओम में सब आ गया, निराकार परमात्मा साकार कैसे हुआ, तीन गुण तीन अवस्थाएं तीन शरीर सब कुछ उसमें आ गया, ओम की अर्थ में, इतना तो ओम का अर्थ है, वो गुरु के मुख से जब हम ओम का अर्थ सुनता है तो वो मैं हूँ, तो उसको फिर कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता है, दुनिया में कुछ भी जानना नहीं है, एक ओम को जानो तो बाकी कुछ भी जानने का जरूरत नहीं। तो सब वेदों में ओम मैं हूँ, ओम माना निराकार आत्मा परमात्मा, वो मैं हूँ, मेरे लिए ये वेद शास्त्र मेरे कोई जानने के लिए बना है। वेद शास्त्र समर्थ सिद्ध अखड़ कीने राम नाम एक अखड़, वेद शास्त्र में केवल एक ही अक्षर राम नाम का है कि राम कौन है, नाम कौन है,
परमात्मा क्या है, उसके लिए मेरे लिए ये सब रचा गया है, ओम को सिद्ध करने के लिए ये सब जो है वो वेद शास्त्र है। तो बोलता है ओम मैं हूँ। सभी वेदों में ओम निराकार परमात्मा जो पहला पहला शब्द है ओम, ब्रह्म से पहला पहला शब्द निकला ओम, मैं हूँ, मैं एक से अनेक हो जाऊं तो एक से अनेक हो गया, एक ओम बहुश्याम, मैं ही एक हूँ, निराकार निराकार से साकार हो के आया हूँ, ये ओम का मतलब। तो जिसने ओम का मतलब समझा उसको बाकी क्या समझने का। तो बोलते सभी शास्त्रों में जो ओम लिखा पड़ा है पहला पहला शब्द वो मैं हूँ, पीछे सब शब्द हुआ, पहले निराकार आत्मा वो ओम मैं हूँ। तुम जब भी गंध बोलता है तो नाक में ऐसा करता है भाई अशुद्ध गंध होता है, अशुद्ध होता है, लेकिन सारी प्रकृति का जो तत्व है गंध, सारी प्रकृति से वनस्पति फ्रूट्स ये वो जो भी कुछ निकलता है, खाद भी है तो भी वो पौत्र है क्योंकि उसमें बनी में जाती है फिर खेत में जाती है, तो सब जो गंध है वो पौत्र ही है क्योंकि पृथ्वी का तत्व जो है पहला पहला वो है गंध, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पृथ्वी का तत्व है गंध, मतलब सारी प्रकृति से जो भी उपजा उपजता है वो गंदी है, मतलब पौत्र गंध मैं हूँ। तुम गंध ये नहीं सब अपौत्र ऐसा ऐसा नाक पड़ रहा भाई, ये तो बद है ना, तो पृथ्वी का गंध कैसा बोला, पौत्र क्यों बोला, समझा, उसकी बातें अनोखी हैं, सब श्रेष्ठ मन में था, ते मेरा तेज है, मैं तपस्वी, मैं तेजस्वी, मैं पुरुष हूँ, मेरा बल है। तो जो तुम माया में भी अच्छी बात में भी फंसे हुए है तो भगवान बोलता है अच्छी बात भी मैं हूँ, फिर जहाँ गिरना है तुमको भाई, ये जुआड़ी है, ये वैश्या है, ये शराब है, ये कामी है, ये क्रोधी है, बोले क्रोध भी मैं, जुआ भी मैं, शराब भी मैं, फलाना भी मैं, वैश्या भी मैं, सब मैं ही। तो अभी तुम घृणा करेगा किससे, विष्टा भी मैं हूँ, चलो खाद भी मैं हूँ, मेरे से है क्या विष्टा या खाद, किसको तुम बोल रहे, घृणा किससे करता है और अच्छाई किस में देखता है, कौन सी अच्छाई है, अच्छाई भी मेरी, सब कुछ मैं ही तो हूँ। इसके लिए जहाँ तुम्हारा घृणा है, जहाँ तुम फंसे पड़े है, उसी से सबसे निकाल के बोलता है इधर भी मेरा ही तेज है, मेरा ही बल है, मेरा ही बुद्धि है, सब तुम्हारे में बुद्धि, निश्चय करने वाली बुद्धि मैं हूँ, बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है, तुम बोलते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमान कौन है, तुम्हारे में बुद्धि किसकी है, ये जो पावर है निर्णय करने का पावर वो भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, तप भी मैं हूँ तुम्हारा, सब कुछ मैं हूँ, और धर्म मुजब काम मैं हूँ, वो कैसे तुम ही बताओ, सब बोलते हैं धर्म मुजब काम भी मैं हूँ, धर्म अनुसार काम भी मैं हूँ, अब वो बताओ कैसे काम है, ज्ञान के बिल्कुल असल दुश्मन है ज्ञान का, काम को मारो काम को जीतो, मतलब धर्म मुजब काम मैं हूँ, धर्म अनुसार कैसे काम है भगवान बताओ, जो भी बैठे है ना तो मगज चलाओ अपना। वो अधर्म मुजब काम है, और जो तुम ईश्वर है तो तुम ऐसे ही समझेगा ये सब जो है वो मेरी कामना से हुआ है, मेरी इच्छा से हुआ है, मेरे संकल्प से हुआ है, धर्म मुजब काम पहला पहला मैं हूँ, मैं ही निराकार से साकार हुआ हूँ। सब पूछता है निराकार को क्यों इच्छा हुई साकार होने की, निराकार में काय के लिए संकल्प उठा, तो हमारे में भी संकल्प उठता है तो मैं भी एक से अनेक हो जाऊँ, मैंने भी शादी किया, तो तुम जीव हो गया, फिर जो भी इच्छा करेगा वो तुम्हारी अधर्म मुजब हो गई, तुम्हारा धर्म नहीं है कोई भी इच्छा करना, एक ही भगवान ने जो काम किया पहला धर्म मुजब इच्छा किया वो तुम्हारी इच्छा है, तुम ही भगवान है, तुमने जो पहला काम किया एक से अनेक होके आया ये धर्म मुजब हो गया, अभी जो भी तुम कामनाएं करेगा वो अधर्म मुजब है, क्योंकि तुम जीव बन के जो भी इच्छा करता है, मेरे को बेटा हो मैं शादी करूँ, ये इच्छा क्यों हुई, तुम भगवान है, तुमको गुरुकुल में जाके भगवान का ये ज्ञान सुनना चाहिए, मैं भगवान हूँ, भगवान को शादी की इच्छा क्यों हुई, भगवान को बच्चे की इच्छा क्यों हुई, कौन सी भगवान ने शादी किया था, कृष्ण भगवान ने कौन सी शादी की, तो बोले उसने भी की हमने भी की, कामना करता है काम के वश हो जाता है वो काम दुश्मन है, लेकिन जब तुम ईश्वर है जब तुम आत्मा है तो आत्मा में कामना है ही नहीं, आत्मा का ऐसे ही समझेगा ये जो भी कामना किया वो मैंने ही किया पहले पहले, बस ये जो भी बढ़ गया हूँ एक से अनेक हो गया हूँ यही कामना है सच्ची, बस पीछे मेरे को कोई कामना नहीं रखने की, एक भी कामना मेरे में नहीं होनी चाहिए, यही बोलता है धर्म मुजब काम भी मैं हूँ, भगवान है किसने बोला लेने।
तुम लड़ा था, तुम उसी टाइम था क्या? तुम्हारे साथ था कृष्ण ये ढूंढा ने, तुमने उसको जाना पहचाना, उसके साथ बैठी, उसका ज्ञान सुना, क्या सुना? बस कृष्ण भगवान भगवान था, गुरु नानक भगवान था, कोटा लेके घर में टांग दिया भैया भगवान। तुमको उसी से क्या मिला? तुमने अपने को पहचाना ही नहीं, तुम अपने को स्त्री पुरुष फलाना टीरा गंदा बंदा नीच पापी समझ के और बोलती है ये भगवान है। नहीं, ये इसको बोलता है सारी दुनिया तीन गुण में फंसी हुई मेरे को नहीं जान सकती। तुम भी तीन गुण में फंसा हुआ आदमी मन सो के भगवान को कैसे जान सकेगा कि ये फलाना भगवान है? कैसे जाना कि ये भगवान है? बेवकूफ, सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात। राधा ने बोला, गोपियों ने बोला, अर्जुन ने बोला, तुम्हारे गुरु नानक को भी फलाने ने बाबे बुढ़े ने बोला ये भगवान है, तुमने भी बोला हाँ हाँ भगवान। इसलिए बोलता है कि ये सब त्रिगुणातीत कोई भी नहीं है, तीन गुण के वश में विकारी मनुष्य कभी भी मुझ परमात्मा को नहीं जान सकता। बड़ी बात बोलते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है, इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। मैं जो फंसा पड़ा है उसमें दलदल में ऊपर ही नहीं उठा तो मेरे को कैसे जानेगा? मैं जो त्रिगुणातीत हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, तो देह जैसी आत्मा को कैसे जानेगा? जो देह में गटर में पड़ा है फंसा, अपने को देह करके जानता है, मल मूत्र में फंसा पड़ा है कि मैं शरीर हूँ, वो कैसे आत्मा को जानेगा, कैसे परमात्मा को जानेगा? वो किस दृष्टि से भगवान को देखेगा? जो जीव भाव में अंधा अज्ञानी, जिसको आंख ही नहीं है, वो भगवान को कैसे जानेगा? जो खाली माया को ही देखता है 24 घंटा, ये आंख जो है वो माया भी आंख है, चम की आंख चम ही देखती है, माया भी आंख माया भी देखती है, तो माया भी आंख से देखता है ये मेरी स्त्री है, मेरा बच्चा है, ये मेरा फलाना है, ये टीला जाने तुम चीज देखता है इस आंख से, लेकिन भगवान नहीं देखा जाएगा इस आंख से। जो आंख माया देखती है वो भगवान नहीं देख सकती। जब भी आंख तुम्हारी बंद हो जाए जगत से, अंधा हो जाओ भाई जगत है ही नहीं, टोटली जगत से तुम्हारी आंख ऊपर उठ जाए तभी तुम भगवान देखते हो। जब तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न होता है सत्व रजो तम हो और ये जगत है सत्य है तो भगवान नहीं, या जगत रहेगा या जगदीश। सिक्के का तुम एक पासा देखेगा, या अक्खड़ या बूढ़ी जो होती है ना, दो सिक्का दो पासा होता है सिक्के का, तो एक पासा एक टाइम देखेगा, या भगवान देखेगा या तो माया। तो जो माया भी आदमी माया के वश है वो परमात्मा को नहीं जान सकता है। तुम समझ लेना, जब तक तुम्हारे में देह अध्यास है, तीन गुण है, माया को तुम सत्य जानता है, देह में फंसा गड़ा मड़ा रहता है, तब तक तुम ईश्वर को जान नहीं सकता। जब तुम देह से ऊपर उठेगा तभी परमात्मा को मिलेगा। तो पहले तुम अपने को जानो, मैं कौन हूँ। भगवान को जानने की तकड़ नहीं करना, तो कृष्ण भगवान को मैं जानू, कौन सी विभूति है उसकी, कितना बड़ा है तेरा की। पहले तुम अपने को देखो कि मैं कौन हूँ। इसके लिए दूसरे अध्याय में पहले पहले भगवान बोलता है तुम आत्मा है। आत्मा की पहचान दिया दूसरे अध्याय में, आत्मा अमर है, आत्मा जड़ है, आत्मा अविनाशी है, ये देह विनाशी है, देह तुम नहीं है, ये सब जो शरीर है वो माया भी शरीर है, कोई भी मरता नहीं है, आत्मा अमर है, पहले सारी आत्मा की डेफिनेशन दे दिया उसको, तभी पीछे आगे चल के उसको और ज्ञान दिया। तो तुम अभी अपने को पहचानो कि मैं आत्मा हूँ, मैं कैसे त्रिगुणातीत हूँ, मैं कैसे माया से मुक्त हूँ, मैं पुरुष परमात्मा हूँ। जब तुम अपने को जानेगा तो भगवान को जानेगा, दोनों बात परस्पर चलेगी। तुम अपने को नहीं जानेगा, भगवान को कब नहीं जानेगा? पहले भगवान तुम्हारे साथ आके बैठे 24 घंटा, कृष्ण भगवान भी तुम्हारा उत्तर के आके तुम्हारे साथ बैठे तो भी तुम नहीं जानेगा। क्योंकि जैसा जैरो अर्जुन तैरो कृष्ण, जैसा अर्जुन है तैसा कृष्ण है, दोनों दोनों राजा था, दोनों छत्र पहनता था, दोनों एक जैसा ड्रेस पहनता था, किसको पता ये कृष्ण है कि ये अर्जुन है, ये भगवान है। जैरो अर्जुन तैरो कृष्ण, पर अर्जुन पंहिंजो स्वरूप भुलायो आहे। बाहर में देखने में जैसा कृष्ण तैसा अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने अपना स्वरूप भुलाया है, अपनी आत्मा को भुलाया कृष्ण अपनी आत्मा में। तो तुम्हारे साथ भी आके भगवान रहेगा तो भी वो आत्मा में तुम देह में नहीं पहचान सकते। तुम बोलता तो कृष्ण कभी इन देह में जा प्यारा डाड़ो दुखी मां तिंज लाया तू अच गाली चा बिछाया, लेकिन आएगा तो भी तुम नहीं पहचानेगा क्योंकि तुम देह में होगा, ये समझ लेना। अभी भी आया है तुम नहीं पहचानेगा क्योंकि तुम देह में है,
भगवान आत्मा में कभी नहीं पहचानेगा, इधर से भी कहीं लौट के जाएगा, ड्रेस देख के, शिकल देख के, वो देख के, खाना पीना देख के और भाग जाएगा इधर। अरे ये तो ये खाता है, अरे ये तो ऐसा पहनता है, ये कृष्ण भगवान थोड़ी खाता था, कृष्ण भगवान थोड़ी ऐसा पहनता था, कृष्ण भगवान थोड़ी ऐसा था, कृष्ण पढ़ाई हम भी पढ़ाई लड़की को भगाएगा तभी तुम बोलेगा ये कृष्ण है। तो बाहर के कर्मों से तुम उसको पहचान नहीं सकेगा, पहले अपने देह ध्यान से छूटो तभी भगवान को जानना। सेल्फ रियलाइजेशन इज रिक्वायर, नॉट गॉड रियलाइजेशन। भगवान को जानना है, मेरे को भगवान का दर्शन कराओ। पहले अपने को जाने, तुम कौन है जो भगवान का दर्शन करने आया, तुम जो इतनी टिकट खर्च के इधर आया क्यों आया, पहले तुम कौन है जो भगवान का दर्शन करने आया। तुम ही भगवान है, तुम भगवान आया भगवान का दर्शन करने, यही तो भूल हुई है, यही तो भूल भुलैया का खेल है भगवान का। इसलिए बोलता है सब त्रिगुणी माया के अधीन है, सब अपने को देह करके जानता है, इसके लिए मुझ ईश्वर को नहीं जान सकेगा। तो पहले तुमको अपना आप जानने का है, त्रिगुणाती तुमको होने का है, तभी तुम भगवान को साक्षात देख सकेगा। भाई बराबर ये सब भगवान ही भगवान। आत्मा रोज वचन कौन सा सुनता है बार बार, तुमको सुबह से रात तक रोज एक ही बात सुनाई जाती है, जैसे कुत्ता होता है दूसरा कुत्ता देखता है भौंकता है, लेकिन कोई कोई ऐसा होशियार प्राणी राजा होता है उसको रोज आईना दिखाता है, रोज आईना दिखाता है, तू है तू है तू है तू है तू है। और भूमड़ी, और भूमड़ी कीड़े को, कीड़ा जी भाव क्या मतलब क्या है, कीड़ा तो है हड़े मंच, कीड़ा तो है अज्ञान के बस कीड़े के तरह तो चलता है, विष्टा का कीड़ा बन के रहता है, विषय में ही रहता है, उसको गुरु रोज घूम 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 करके आत्मा की उसको आत्मा का अंक जमाता है। सुबह से रात तक एक ही बात चलती है तो तू आत्मा है, तू आत्मा है, वही आईना तुमको दिखाता है। तुम देह की बात करेगा, जगत की बात करेगा, दुनिया की बात करेगा, गिरावट की बात करेगा, ये करेगा, फर्ज की, धर्म की, इसकी, पैसे की, धंधे की, सब बात तुम्हारे मुख से निकलेगी, लेकिन गुरु तुमको फिर आत्मा की बात याद दिलाएगा, फिर आत्मा की, फिर आत्मा की, क्योंकि वो तो खेल है, खेल तो चलता ही रहेगा, खेल तो कभी भी बंद होने वाला नहीं। कोई कोई बोलता है सागर में लहरें जब बंद होगी ना, लहरें बहुत तेज चल रही है, लहरें जब बंद हो जाएगी ना बाद में मैं नहाऊंगा, बाद में तुम नहा नहीं सकेगा, लहरें बंद हो गई तो मालूम नहीं पानी तो बहुत दूर हट गए, लहरें तो कभी सागर में बंद होती नहीं। ऐसी तरह से ये खेल जो है चलता ही रहता है, खेल चलता ही रहता है, तुम अपने को दृष्टा साखी समझ के और देह को मिटाते चलो, जहाँ मैं निकलती है कौन सी मैं निकलती है। जैसे दादा ने एक दिन बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया, एक राजा आता है बोलता है मैं मीन्स मैं राजा, एक जमानदार आती है बोलती है मैं मीन्स मैं जमानदार। ऐसी तरह से ही तुम्हारी मैं जो निकलती है, एक राजा की, एक आत्मा की मैं, कृष्ण की मैं जो है वो आत्मा की है, तो सब बोलता है भाई ये भी कृष्ण की अहंकार करता है, कृष्ण अहंकार नहीं करता है, कृष्ण बोलता है सब मैं ही तो हूँ, उसकी मैं जो निकलती है कैपिटल आए सब मैं ही तो हूँ, और उसकी जो मैं निकलती है छोटी मैं, उसकी कैपिटल मैं, उसकी सिंगल मैं फलाना मल। जैसे अभी सुना ना अर्जुन और कृष्ण दोनों ही खड़ा है, लेकिन भगवान है आत्मा में, वो है बॉडी, आत्मा को नहीं जानता है, अपने को नहीं जानता है, सच को नहीं जानता है। ऐसी तरह से रोज एक ही पहचान मिलती है, तभी बोलता है तुम्हारा शास्त्र पुस्तक वेद पुराण सब पुस्तक डाल पानी में, सब पुस्तक जो घर में तुम्हारे पड़े है जब तक पानी में नहीं डालेगी तब तक ये ज्ञान प्राण होएगा ही नहीं, ना शुद्ध नहीं पड़ता, ना होने वाली बात, क्यों तुम्हारा मन लगा पड़ा है पुस्तक में, आत्मा को कैसे जानेगा, जड़ पुस्तक और आत्मा का साक्षात्कार कैसे करेगा, जड़ चेतन को कैसे जानेगा, जड़ पुस्तक से तुमको शांति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। गुरु से जासी तो पुस्तक को प्यार करते हैं, कृष्ण भगवान उत्तर के आएगा ना ये गीता बैठ के पढ़ेगा, कृष्ण सामने बैठा होगा बोलेगा मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ता हूँ, एक माई का मर्द आया विलास से, वो उधर ही बैठा रहा, नहीं खाया नहीं पिया, लेकिन माई उसकी चिट्ठी पढ़ने में, मैं पति परमात्मा की चिट्ठी बैठ के पढ़ती हूँ, मेरा तुमको कितना प्यार है, तो पति तुम्हारा राजी होगा या नाराज होगा तुम्हारे से, पति आ जाए और तुम उसकी चिट्ठी पढ़ो, गुरु नानक साहब सामने बैठे तुम जाके ग्रंथ साहब पढ़ेगा दूसरी रूम में, तो गुरु नानक के आने का जरूर क्या है, ग्रंथ से विश्वास लेता है गुरु नानक आया है कि सच्चा गुरु है। देह ध्यास कैसे जावे, सब कुछ गुरु के अर्पण करने के सिवाय, बिक्री करने के सिवाय तुम नहीं छूटेगा,
तन मन धन सब वाड़ू तो भी गुरु न विसारू। ये गुरु का है तन मन धन, ये सब देह उसकी है, मेरी नहीं है। जब तक तुम बिक्री नहीं करेगा, जैसे ये मकान हम आज बिक्री करता है तुमको, अभी इसकी रखवाली कौन करेगा, तुम या हम? हमने बिक्री कर दिया। ऐसी तरह से गुरु आता है तुम्हारे से लेने के लिए ये सब कुछ। अभी ये तन भी हमारा है, तुम चिंता नहीं करना। मन भी हमारा है, तुम उसका चिंतन नहीं करना मन में। धन भी हमारा है, तुम जैसा चोर है हमको कभी हिसाब नहीं दिया कितना धन है तुम्हारे पास, लिस्ट लिखाई नहीं है कभी। दादाजी ने पहले पहले इनको लिख के भेजा कि हमको सब कुछ विचूर दियो। इसने विलय से विचूर लिख के भेजा, भाई हमारे पास इतना है, इतना है, इतना, मैं इतना खर्चा करता हूँ रोज, इतनी मेरे पास कमीज है, इतनी कमीज लेता हूँ, इतने इतने रुपए में लेता हूँ। बोला सब मेरे को इधर लिख के भेजो, कितना खर्चा तुम करते हैं रोज का। ये 200 रुपए एक दिन में खर्चता था, पीछे एक पैसा भी नहीं। भाई गुरु को लिख के देना पड़ेगा। इस होटल में गया, सिनेमा में गया, सब बंद हो गया। भाई गुरु को कैसे लिखेगा, मैं सिनेमा में गया और पिक्चर में गया। भाई काटो सब बातें, पीछे एक पैसा भी अपनी मर्जी से कोई नहीं खर्चता इधर। हमारे पास इतने जने रहे पड़े हैं ना, एक पैसा भी हमारी मर्जी पड़े खर्च नहीं करता है अपनी पर्स से, नीचे भी नहीं जाता है हमारी मर्जी के सिवाय। और तुम कहाँ कहाँ धक्का खाता है भगवान को पता भी नहीं है। इधर आता है बस, मैं सूट साड़ी पहन के तुम्हारा बस हूँ, सब कुछ हूँ तुम्हारा, तुम हमारा सब कुछ है। इधर से गया पता नहीं कौन सी माया में गया, सुबह को कहाँ गया, शाम को कहाँ गया, कौन से देह ध्यासी से मिला, उसको क्या लेन देन किया, क्या तुमने कर्म बनाया सारे दिन में, किसको पता है? किसको विचूर दिया है तुमने अपने कर्मों की? जो भी तुमने पाप किया या पुण्य किया लिस्ट हमारे को दियो इधर, तभी तुम छूटेगा देह ध्यास, तभी तुम जन्म मरण से छूटेगा। गुरु ही तुम्हारी लिस्ट जो है वो फाड़ के असल ऐसा फेंक देगा, जो यमराज भी तुम्हारे से कभी हिसाब नहीं ले सकता है। गुरु यमराज का भी यमराज है, कालों का भी काल है। भगवान जो है वो खुदा दोस्त है, कालों का भी काल। जब उसके हम शरण जाते हैं, सब कुछ उसको अर्पण करता है, पीछे हम हल्का हो जाता है। दे इधर रख के और आत्मा लेके जाओ। दादा ने कल बोला संत के पास जाइए, साथ न लीजिए कोई। संत के पास जब भी जाओ ना, तो साथ में कोई नहीं लेके जाना, कोई नहीं माना ये शरीर भी नहीं लेके जाना। तो तुम शरीर सहता के बैठता है तो तुम कैसे आत्मा को जानेगा? शरीर तो फेंको पहले, मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। बुद्धि से तुम सोचता है, मन से तुम चिंतन करता है, शरीर पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हारा धक्का खाने जाता है, क्या क्या करता है, कुछ भी पता नहीं है। जो सब कुछ विचूर देता है भगवान को, उसे बिक्री कर देता है। ये मन भी बिक्री करने का है। मन बेच है सतगुण के पास, तस सेवक के कार जरास। मन भी बिक्री करो, तुम्हारे मन में क्या क्या संकल्प विकल्प चलता है 24 घंटा। बेटे के लिए क्या, औरत के लिए क्या, धन के लिए क्या, चिंता कौन सी है, कौन सी माया भी चाहिए, इच्छा कौन सी है, वासना कौन सी है, सब कुछ तुम उत्तर प्रश्न करेगा तो तुम्हारा उद्धार होएगा। भाई शास्त्र में कुछ भी तुम शास्त्र पढ़ता है, तुम्हारी इच्छा वासना मन शास्त्र लेगा? मन कभी शास्त्र लेगा तुम्हारा? यदि गुरु तुमको ऐसा लगा के बूंदा और तुम्हारे अंदर से ऐसा विकार निकालता है, ऐसा कोई भी नहीं है शास्त्र जो तुम्हारा। गुरु के सिवाय गत नहीं है कभी भी। हम जब भी गुरु के पास जाए अपना देह नहीं लेके जाए, देह के सिवाय आके बैठो और अपने को जानो कि मैं आत्मा हूँ। बार बार जानो, बार बार अभ्यास यही है। अर्जुन को भी भगवान बोलता है कि बारों बार यही अभ्यास है, यही वैराग है कि मैं देह नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ। जब भी तुमको देह का ख्याल आए, संबंध का ख्याल आए, दूसरे का ख्याल आए, एकदम काटो जहां जहां मन जाए। हे अर्जुन, सबसे मन निकाल के मुझे आत्मा में मन रख। पहले मैं आत्मा हूँ। सर्व धर्मान कर्मान परितजय, सब धर्म कर्म छोड़ के माम एकम, मैं जो एक ही परमात्मा हूँ उसकी शरण लियो। माना मैं आत्मा हूँ उसकी शरण लियो, ऐसे नहीं कृष्ण के शरीर की शरण लियो। पर माम एकम, मैं जो एक हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, मैं जो परमात्मा हूँ उसकी शरण। अबाइड इन मी, माँ की शरण लियो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। अरे मैं इसके गटर में आने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं इसकी चिंता करने के लिए थोड़ी, मैं तो सैर करने के लिए आया हूँ। मैंने इस संकल्प से ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि का सैर करने के लिए आया हूँ। मैं काहे के लिए थोड़ी थोड़ी चिंता में मरूं और गड़ूं इनके लिए? तुम्हारा संबंधियों से इतना मोह है, इतना प्यार है, जो गुरु से तो थोड़ा सा भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है जितना उसी से प्यार है संबंधियों से। एक आदमी शाहूकार लोग आता था एक गुरु के पास,
भला गुरु जी तुम रोज मेरे पास आओ, आके हमारे घर में मानी खाओ रोज। वो सन्यासी था बेचारा, बोला मेरी औरत भी है और मैं भी हूँ, बच्चा भी है, नौकर भी है, सब तुम्हारी सेवा करेगा। गुरु मेरा प्यार बहुत है तुम्हारे साथ। गुरु ने बोला जो तुम्हारे पास एक गाबा बैठा है ना, गऊ का बछड़ा रहता था, अगर उसी जैसा प्यार भी मेरे साथ होएगा ना तो मैं तुमको जरूर मिलूंगा। बोला ऐसे कैसे बोलता है साईं, वो गाबा पशु उसी जैसा प्यार कैसे तुम्हारे से करूंगा, मैं तो सब कुछ तुम्हारे को अर्पण करूंगा, मैं अपने देह से भी जान से तुमको प्यार करता हूँ, और उसे बच्चे से गाबा तो कुछ नहीं है। बोला नहीं, इसी जैसा भी हमारे से प्यार नहीं है तुम्हारा, ये भी मेरा गाबा जो है ना, वो मेरा कुत्ता तुमको जास्ती प्यार है। बोला ऐसे कैसे होएगा, अच्छा देखेगा एक दिन। बोला गुरु जी मेरे पास रोज आना, मानी खा के जाना, रोटी खा के जाना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मेरी औरत भी तुम्हारी सेवा करूंगी। बोला ठीक है, हम आएगा। गुरु जी रोज उसके घर में जाता था, वो भाई माई नौकर चाकर सब बहू बेटियां सब उसकी सेवा करते थे। दो चार आठ दिन रोज गया, आकर बेचारा थक गया। तो सेठ को अपना तो काम होएगा, सेठ चला गया अपने मिल में, फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में। बोला मेरा जरूरी काम है और औरत को भेजा, तुम लेके आना अभी हमारे गुरु को, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, आज जरूरी काम है। चला गया, औरत लेने गई गुरु जी को। गुरु जी आज मेरा मर्द गया किसी काम पर, जरूरी काम था। गुरु को तो हंसी आ गई, तो मेरे से जरूरी काम और क्या होता है, ये चूटा गया माया में। फिर औरत आई उसको बुलाने के लिए, फिर बेचारा गुरु गया उसके पास। फिर औरत ने उसकी बहुत किया, सब कुछ खाना पीना ठीक है। फिर औरत को भी मायके में जाना था किसी के शादी में, पड़ोसी के शादी में चली गई एक दिन। नौकर को बोला भाई तुम गुरु जी को लेके आना और रोज इधर खाना पीना अच्छी तरह से खिलाना, बोलना सेठ गया काम पर, माई गई है शादी पर, शेर के अभी आई थोड़े दिन में आएगी। बोला ठीक है। इतना प्रेम भी अगर कोई जीव बसावे अपने अंदर में भगवान के लिए, तो उसकी भी मैं गिनती नहीं कर सकते। थोड़ा सा प्रेम भी अगर भगवान के लिए होवे, तुम्हारा सारा ही प्रेम है अपने वाले के लिए और मैं और मेरे के लिए। तुम सच्ची बोलना, तुम्हारा जितना अपनी देह में प्यार है, अपने वाले के देह में प्यार है, उतना भगवान से है। तुम्हारा बेटा दो घंटा नहीं आता है तो उथल पथल मचती है, और गुरु तुम्हारा 15 दिन तुम्हारे घर में नहीं आया, या मैं ना, या तुम भी नहीं उसी से मिलो, तो क्या होगा? कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देह अभ्यास कैसे जाएगा जब प्रेम जाके लगे परमात्मा में और तुम गुम हो जाओ। तुम बढ़ के गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं। बोलता है भगवान को, तुम ऐसा बढ़ के गिरो जैसे विंज गिरती है ना, एकदम जला देती है, ऐसी तरह से मेरा देह अध्यास जल के भस्म हो जाए कि मैं न रहूं, नहीं मेरा कुछ रहे। हरि का होश और रह जाए, मेरा सब जल जाए। जो मेरा मेरा हम करता है ना सारा दिन, मैं और मेरा, उसके लिए मेरे को जो दुख सुख सहना पड़ता है वो भी तुम सहता है खुशी से, लेकिन भगवान को तुम प्यार नहीं सच्ची दिल से करता। जो भगवान को प्यार करता है उसके लिए माया उसको देखने भी नहीं आती है, वो अंधा हो जाता है। लव इज ब्लाइंड। जिसको प्रेम होता है भगवान के लिए वो अंधा हो जाता है, जगत देखता ही नहीं। किसी भी लड़की का एक लड़के से प्यार होता है वो जगत देखती है, माता पिता को देखती है, उसके मुर्दे के ऊपर चढ़ के भी जाके शादी करेगी। तुमको ऐसा अंध लगा है जैसा उस लड़की को अंध लगता है। जब ऐसा प्रेम परमात्मा से हो जाता है तो जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। ये तो भ्रम है तुम्हारा कि जगत है, मैं हूँ नहीं, ये शरीर है नहीं, तुम्हारा कुछ है दुनिया में। शरीर भी भ्रम, जगत भी भ्रम, एक ही ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही सब कुछ है। जो ब्रह्म में अपने आत्मा को टिकाता है, अपनी आत्मा को ब्रह्म से लीन कर देता है और सर्व की आत्मा को अपना आत्मा देखता है, वो जगत कैसे देखेगा, देह कैसे देखेगा, दूसरा कैसे देखेगा, द्वैत त्रिपुटी ये सब उसका छूट जाएगा। वो त्रिपुटी में रहते भी त्रिपुटी से रहता है, सबके बीच में रहेगा तो भी सबसे न्याणा रहेगा। जैसे आकाश देखो इधर है ना, हमारे इधर इस रूम में आकाश है, तुम सब बैठे भी है, अभी तुम चले जाएंगे या वित्त चित्त टूट जाएगी तो भी आकाश तो रहेगा। ये आकाश, महाआकाश, घट आकाश सब एक ही आकाश है, खाली ये उपाधि आ गई, मच्छर आ गया या घट आ गया तो उसमें आकाश जैसे बंद हो गया। जैसे तुम्हारे शरीर में तुम समझते शायद आत्मा अलग अलग हो गई, लेकिन ये शरीर घट जो है ये इसको तोड़ो, देह ध्यास छोड़ो तो अंदर बाहर एक जाने दूजा भाव न हो, अंदर बाहर ब्रह्म ही तो है। मटके की उपाधि खाली छोड़ो कि मैं मटका हूँ, तुम अपने को गंद गटर का मटका समझ के बैठे, और जो आकाश है अंदर उसको तुम जानता ही नहीं है।
जो ब्रह्म निराकार उसको जानता ही नहीं है, अपने देह में अटक गया, मैं हूँ मेरा है, मैं हूँ मेरा, छोटी छोटी दुनिया में फंस गए सब लोग। इसलिए बोलता है मुझ परमात्मा को तुम नहीं जानेगा जब तक तुम त्रिगुणातीत नहीं हो जाओ। ये तीन गुण की माया तुमको फंसा के बैठनी है। माया ठगनी है बड़ी, माया बड़ी दुस्तर है, आगे चल के बताएगा, माया बड़ी दुस्तर है, ठगनी है। जैसे उसका उसने मेला बनाया था, किसने? पांडवों ने एक मैलात बनाया, उसमें अंदर क्या रखा? तिलसम बाजी सब, जहाँ पानी देखने में आवे उधर सुकी, और जहाँ सुकी देखने में आवे उधर जैसे पानी था। तो दुर्योधन ने एकदम आया उसी मैलात में, द्रौपदी उधर खड़ी थी, भीष्म भी खड़ा था, तो उसने क्या भीमसेन, तो द्रौपदी भी खड़ी थी, तो दुर्योधन बेचारा अंदर आया, उसने आगे पानी देख के कपड़ा उतारा, भाई मैं स्नान करता हूँ, तो बहुत हंसी ऊपर से द्रौपदी, क्योंकि देखा तो पानी तो है ही नहीं है सुखी, और ये कपड़ा उतार के जाता है पानी में। उधर से ये महाभारत की लड़ाई शुरू हो गई, तो दुर्योधन को गुस्सा आ गया, भाई ये द्रौपदी मेरी भाभी होके मेरे ऊपर हंसती है, उधर से गुस्सा आया। ये तिलसम बाजी का मैल आता है, तैसी तरह से ये सब दुनिया जो है तिलसम बाजी, देखने में एक आता है दूसरी बात, विविध रूप है जगदीश, देखने में आता है जगत।